नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि पावर पॉइंट में वीडियो कैसे सेव करें। तो अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पावर पॉइंट खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं पावर पॉइंट खोल ले रहा हूँ। पॉइंट खोलने के बाद कुछ इस तरह का आएगा। पावर पॉइंट खोलने के बाद तो मैं सिंपली यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम ही टाइप कर लेता हूँ। आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं अपने इच्छा से, टाइप कर लेता हूँ। और उसके बाद अब सर्च के बाद यहाँ पे टेक्स्ट देख लेते हैं। टेक्स्ट का कलर चूज कर लेते हैं, वह अपनी मर्जी से चूज कर लीजिए। टेक्स्ट का डिजाइनिंग चेंज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए टेक्स्ट काफ़ी अच्छा दिखने वाला है। यहाँ पे नहीं उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट ले आ जाएंगे हम। यहाँ पे इफेक्ट चूज कर सकते हैं, बहुत सारा इफेक्ट है। जैसे मैंने ये लगाया, इफेक्ट चूज कर लेते हैं। उसके बाद सेटिंग में जाकर डायरेक्शन कर लेते हैं। एडिटर कर लेते हैं। फाइल एडिटर चूज करने के बाद यहाँ पे होम पे जाते हैं। यहाँ पे कंट्रोल एस दबा देते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद यहाँ पे आते हैं विंडोज मीडिया फीड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप डेस्कटॉप पर सेव कर देंगे। सेव कर दिए, आप देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप पे ये सुमित श्रीवास्तव के नाम से आ गया है। इसको मैं धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे वीडियो बार बार देखने के लिए तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन दबाना ना भूलें।